हे गाइस गुड इवनिंग वेलकम टू यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल में आपको डेली टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और तैयारी ज़ोरदार करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेलाइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियोज़ जो होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए आज के टॉप क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन ध्यान से देखिए लाल मृदा भारत के विभिन्न भागों में पाई जाती है इसके लाल रंग का मुख्य कारण क्या है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फेरिक ऑक्साइड लाल मृदा भारत के विभिन्न भागों में पाई जाती है और इसका जो लाल रंग होता है इसका मुख्य कारण है फेरिक ऑक्साइड तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू सवाल नंबर दो निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताइए निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं सुमेलित गया है तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा कानपुर गोमती ये वाला सही सुमिलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सवाल नंबर तीन निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित नहीं किया गया है यूनेस्को द्वारा किसको विश्व धरोहर घोषित नहीं किया गया है निम्नलिखित में से तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलाहाबाद के संगम को विश्व यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित नहीं किया गया है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो क्वेश्चन नंबर फोर इसमें भी पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं किया गया है तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर देखिए बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ ये करेक्ट है गोलघर पटना गोलघर पटना ये भी सही है आपका आरामबाग आगरा ये भी सही है तो इसमें से गलत कौन है पिछौला झील गाजियाबाद तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला युग्म गलत है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव कोंकण रेलवे निम्न में से किन राज्यों से होकर निकलती है पूछा गया है कोंकण रेलवे निम्न में से किन राज्यों से होकर निकलती है तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र और केरल कोंकण रेलवे जो है गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र और केरल से होकर निकलती है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स भारत का पहला समुद्री अभ्यारण्य जिसकी सीमा में प्रवाल भित्ति डॉल्फिन्स मोलस्क कछुए और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षी पाए जाते हैं वो कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वो लक्षद्वीप में स्थित है भारत का पहला समुद्री अभयारण्य जिसकी सीमा में प्रवाल भित्ती डॉल्फिन मोलस्क कछुए और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षी पाए जाते हैं वो लक्षद्वीप में स्थित है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा कहाँ पर लक्षद्वीप में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन निम्न में से कौन सा शहर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है पूछा गया है कौन सा शहर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इलाहाबाद याद रखना है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है पूछा गया था कि कौन सा शहर उत्तर, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है तो इलाहाबाद उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट सवाल नंबर आठ ध्यान से देखिए निम्न में से कौन सी राज्य की सीमा गुजरात से नहीं नहीं जुड़ी है पूछा गया है निम्न में से कौन से राज्य की सीमा जो है वो गुजरात से नहीं जुड़ी है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश इसकी सीमा जो है वो गुजरात से नहीं जुड़ी है बाकी राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, से से? की जुड़ी है पर उत्तर प्रदेश की जो राज्य सीमा है वो गुजरात से नहीं जुड़ी तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन किसी नियोजित या नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं सवाल ध्यान से सुनिएगा किसी नियोजित या नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरकार द्वारा किसी नियोजित या नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी निर्णय आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं सरकार द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन किसी मुक्ति बाजार व्यवस्था में किसी घरेलू को प्राप्त माल किसी घरेलू को प्राप्त माल की मात्रा और सेवाएं अवलंबित होती है उसकी उसकी क्या परम बताइए किसी मुक्त बाजार व्यवस्था में किसी घरेलू को प्राप्त माल की मात्रा एवं सेवाएं अवलंबित होती है उसके वेतन पर उसकी मजदूरी पर तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन पूछा गया है मंदी क्या है क्वेश्चन नंबर इलेवन में पूछा गया है मंदी है क्या तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कीमतों में भारी मात्रा में गिरावट की अवधि को मंदी कहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा मंदी है कीमतों में भारी मात्रा में गिरावट की अवधि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व स्फीति है क्या देखिए सवाल नंबर बारह ध्यान से देखिएगा स्पिति क्या है तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा कुल कीमतों की स्तर में वृद्धि को स्पीति कहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन सवाल नंबर तेरह निम्न में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है पूछा गया है निम्न में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है तो एक बैंक रिंग एक बैंक ऋण जो है ये उत्पादन का कारक नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा बाकी पूंजी जमीन मजदूरी ये उत्पादन का कारक है पर एक बैंक ऋण जो होता है ये उत्पादन का कारक नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सवाल नंबर चौदह क्वेश्चन नंबर फोर्टीन निम्न में से कौन भारत के नवरत्नों में से नहीं है पूछा गया है निम्न में से कौन भारत के नवरत्नों में से नहीं है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारतीय या रेलवे ये भारत के नवरत्नों में नहीं आता है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन निम्न में से किस शहर में इस्पात संयंत्र नहीं है बताइए निम्न में से किस शहर में इस्पात संयंत्र नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंगलोर में नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एक मेगावाट किसके बराबर है एक मेगावाट पूछा गया है किसके बराबर तो एक सौ चौबीस के बी के बराबर एक एक सौ चौबीस के बी के बराबर है एक मेगावाट तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन किस विटामिन को स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है पूछा गया है किस विटामिन को स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है तो विटामिन सी को कहा जाता है स्कॉर्बिक एसिड तो ऑप्शन नंबर सी याद रखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर एटीन किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बाध्यत्व हो जाता है बंध्यत्व हो जाता है किसकी कमी के कारण तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन ई e की कमी के कारण कुछ जीवों में बंध्यत्व हो जाता है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन मनुष्य की हड्डी फब्यूला पाई जाती है किस में मनुष्य की हड्डी फिब्यूला पाई जाती है किसमें तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरों में ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर बीस मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है पूछा गया है मलेरिया जो हो जाता है हमें वो कौन से मच्छर के काटने से होता है तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है हमें जो मलेरिया होता है वो कौन से मच्छर के काटने से होता है एनाफ्लीस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से कौन सी प्रजाति में सांप से लड़ने का गुण पाया जाता है पूछा गया है कौन सी प्रजाति में सांप से लड़ने का गुण पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेवला ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है पूछा गया है कौन सी प्रजाति में तो नेवली में सांप से लड़ने का गुण पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 विषाणु में होते हैं क्या पूछा गया है विषाणु में क्या होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि डीएनए आरएनए तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्वेंटी थ्री सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है क्या बताइए सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी अलीशा है तो ऑप्शन नंबर तीन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर डिफ्थेरिया और पोलियो को रोका जा सकता है किससे डिफ्थेरिया और पोलियो को रोका जा सकता है टीका प्रतिरक्षण से तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है याद रखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव किसी मनुष्य में मूत्र में किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है क्या बताइए किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में क्या पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरिया पाया जाता है याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में क्या कहा गया है कि ब्लोटिंग पेपर प्रोटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण क्या है बताइए तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा केशिका क्रिया का गुण तो ऑप्शन नंबर बी आपका कहीं सही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुँचती है पृथ्वी पर सूर्य की कितने कितने मिनट में पहुंचती है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है आठ मिनट में पहुंचती है पृथ्वी पर सूर्य की किरणें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग आठ मिनट में पहुंचती है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है क्यों क्योंकि पूछा गया है धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है क्योंकि वे मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती है क्यों होती है क्योंकि वे मुक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करती है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है परिशोधक का उपयोग होता है किस में बताइए क्या करने के लिए परिशोधक का उपयोग होता है तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट में परिवर्तित करने के लिए परिशोधक का उपयोग होता है तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर में सब्सक्राइब दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा उसके बाद आपको एक घंटा दिखेगा इस टाइप का उस घंटे को प्रेस कर देते हैं तो क्या होगा मेरे द्वारा डाली गई जो वीडियोज़ होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी और आपकी तैयारी जोर होती रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इससे पिछली वीडियोस को देखना चाहते हो तो देखिए स्क्रीन पे आपको एक ऐसा आई बटन दिख रहा होगा उस आई बटन पे मैंने इससे पिछली वीडियोस को डाल रखी है आप वहां पे देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल रखी है वीडियोज की वहां पर भी आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन नंबर थर्टी में क्या पूछा गया ध्यान से देखिए वायु में ध्वनि तरंगे हैं बताइए वायु में ध्वनि तरंगे हैं अनुलम्ब तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ खास करके जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन टॉप सेलेक्टेड होते हैं बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्स में आने वाले तो क्वेश्चन मिस मत कीजिए डेली क्लास कीजिए तैयारी जोरदार होती रहेगी थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो